इस फिल्म का जो वाहिद एंटरटेनिंग एस्पेक्ट है वो है इसके दो मेन गाने अड्डी मार और टाइटल सॉन्ग हीरमांजा। दिस इज ईपीके फिल्म रिव्यू और आज जिस फिल्म का रिव्यू हम करेंगे वो है हीरमांजा। हीरमांजा इज रिटन बाय उवैस कुराय बलोच एंड डायरेक्टेड बाय असफर जाफरी। इससे पहले उनकी नोटेबल फिल्म्स में जानान, पर्ची और शेरदिल शामिल हैं। फिल्म का प्लॉट रनअवे ब्राइड थीम को ही फॉलो करता है जो हम छलावा और रॉन्ग नंबर टू में भी पहले देख चुके हैं। ओपनिंग शॉट में नजर आते हैं अली रहमान जो इस फिल्म के हीरो हैं एज कबीर। सून वी फाइंड आउट कि उनको कोई सीरियस इशू है रिगार्डिंग हिज हेल्थ और इसी दौरान उनकी मुलाकात हीर से हो जाती है प्लेड बाय हरीम फारूक जो शादी से बचने के लिए घर से भाग जाती है। इसके बाद हीरो और कबीर का आपस में रोमांटिक रिलेशनशिप, उनकी टेंशन, उनकी बैक स्टोरीज, डिफरेंट कॉमिक कैरेक्टर्स की एंट्रीज, कॉमिक अपीयरेंसेज, कॉमेडी ड्रामा एंड ट्रेजेडी हैपन वन आफ्टर द अदर विदाउट मेकिंग मच कॉमन सेंस और लॉजिक। अली रहमान और हरीम फारूक के पेयर को हम पहले भी पर्ची में देख चुके हैं एंड आई थिंक दे वर्क आउट रियली वेल एज एन ऑन स्क्रीन कपल। एक्टिंग के हवाले से बात करें तो अली रहमान की एक्टिंग वॉज प्रिटी एवरेज। आई रिमेंबर हिम इन स्लैकिस्तान जिसमें उनका काम काफी इंप्रेसिव था। अगर उनको कुछ बेहतर रोल्स दिए जाएं तो आई एम श्योर ही कैन परफॉर्म मच बेटर। हरीम की कॉमिक टाइमिंग वॉज ऑल राइट लेकिन उनका एक इमोशनल सीन है विद अली रहमान जिसमें शी इज़ कंप्लेनिंग अबाउट हिज बिट्रेयल। उसमें मुझे लगा कि जो इमोशनल एक हार्ट ब्रेक की एक फीलिंग होती है शी वॉज नॉट एबल टू डिलीवर दैट वेरी वेल। पर्ची में आई फील उनका करेक्टर वॉज मच बेटर, वेरी वेल सूटेड अकॉर्डिंग टू हर पर्सनैलिटी एंड सिचुएशन ऑफ द फिल्म। इसमें उनकी ड्रेसिंग भी फील्स बिट ओवर एट टाइम्स जो बिल्कुल मैच नहीं करती विद द सिचुएशन दैट इज गोइंग ऑन। सपोर्टिंग कास्ट में मोजिज हसन एज जेरी एंड शमायल खटक एज रैमजी बोथ हैव एक्टेड वेल। इन दोनों का जो करेक्टर है दैट इज सपोज टू प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ इन द फिल्म। ऑल्दो जो सिचुएशनल कॉमेडी डाली गई है फिल्म में दैट डजंट मेक यू लाफ आउट लाउड ऑल द टाइम लेकिन इन दोनों का जो करेक्टर है के डायलॉग्स की वजह से इंजॉयबल हो जाता है। पर्सनली रैमजी का कैरेक्टर मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा एज कम्पेयर टू जेरी बट ही वॉज नॉट गिवन इनफ स्क्रीन टाइम। फैजान शेख एज वजदान प्लेज अ नेगेटिव रोल। एज अ विलन उनकी एक्टिंग कुछ खास इंप्रेसिव नहीं थी ऑल्दो ही इज अ गुड डांसर लेकिन उनके फेशियल एक्सप्रेशंस वर प्रीटी फ्लैट। सेकंडली आई डोंट नो कि एक एंटेगनिस्ट का नाम वजदान ही रखना जरूरी क्यों था। इस लव्स के कुछ ऐसे कॉनोटेशंस निकलते हैं विच आर क्लोज टू सूफिज्म एंड सो ऑन। सो ये थोड़ा सा मुझे ऑड लगा। रियल लाइफ में किसी का नाम हो सकता है वजदान लेकिन फिल्म के लिए कैरेक्टर्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं और हर चीज़ की जो सिलेक्शन है वो बहुत थॉटफुल और मीनिंगफुल तरीके से होनी चाहिए बिकॉज इवेंचुअली इट रिफ्लेक्ट्स द चॉइसेस मेड बाय द फिल्म मेकर्स। आमना शेख और सलीम मेराज इस फिल्म में क्यों थे और क्या कर रहे थे दैट इज क्वेश्चनेबल। मिकाल जुल्फिकार की कैमियो अपीयरेंस है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इट एक्चुअली टुक मी अ वाइल टू रिकॉग्नाइज हिम। उनको आप कोई भी गेटअप दे दें, कोई भी कॉस्ट्यूम पहना दें, ही गेट्स इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर रियली वेल। सिनेमेटोग्राफी इज जस्ट एवरेज, नथिंग रिमार्केबल एज कम्पेयर टू परिहट लव और सुपरस्टार। कलर ग्रेडिंग भी एट टाइम्स बहुत ब्राइट थी, नॉट सूटेबल अकॉर्डिंग टू द मूड और सिचुएशन ऑफ द सीन। सिमिलरली फिल्म की पेस भी कुछ स्लो है, इंटरवल तक कहानी आगे नहीं बढ़ती और कुछ ऐसा खास नहीं होता दैट कैन होल्ड योर इंटरेस्ट। इंटरवल के बाद भी कुछ ऑकवर्ड सीन्स आते हैं दैट मेक नो सेंस एंड देयर इज अ वेरी बैडली कोरियोग्राफ्ड फिस्ट फाइट सीन टुवर्ड्स द क्लाइमेक्स। फिल्ममेकर्स हैव एक्सपेरिमेंटेड टू ब्लेंड कॉमेडी एंड ट्रेजेडी टुगेदर बट एंड अप डूइंग इट अनसक्सेसफुली। यूजुअली इस तरह की फिल्म्स को मूड स्विंग फिल्म्स कहा जाता है जिनमें हॉलीवुड की फिल्म्स बोनी एंड क्लाइड, वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट और मेलिंडा एंड मेलिंडा शामिल हैं। लेकिन ऐसी फिल्मों में या तो किसी बहुत सीरियस सिचुएशन को एक लाइट हार्टेड वे या सैटायर के थ्रू दिखाया जाता है या फिर एक ऐसी फनी सिचुएशन दिखाई जाती है विच माइट लीड टू हॉरिबल सर्कमस्टांसेस। लेकिन इस फिल्म में ट्रेजेडी और कॉमेडी को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है विच टोटली एड्स कन्फ्यूजन एंड नथिंग एल्स। इस फिल्म का जो वाहिद एंटरटेनिंग एस्पेक्ट है वो है इसके दो मेन गाने अड्डी मार और टाइटल सॉन्ग हीरमांजा। अड्डी मार में ज़ारा शेख भी नजर आती हैं लेकिन एक्चुअली उनको भी वेस्ट ही किया गया है, उनकी लुक्स और स्टाइलिंग पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया एंड आई बिलीव के इवन दो अड्डी मार इज़ अ वेरी कैची सॉन्ग बट बिलो फ्रॉम पर्ची वॉज फार बेटर। हीरमांजा जो इसका टाइटल सॉन्ग है उसकी कोरियोग्राफी इज ऑल्सो एक्सीलेंट, इट साउंड्स गुड टू, इज वेरी फन फील्ड एंड ग्रूवी। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद वन वुड फील के ये फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग होगी लेकिन ऐसा नहीं था। आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड एंड द फिल्म डिड नॉट कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस।